तो सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। काफी टाइम के बाद हम एक व्लॉग दोबारा से शूट कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे हम कहाँ पे, पहाड़ों के बीच में, पानी के बीच में आवाजें आ रही है, पानी की, पहाड़ों की, चिड़िया की, हर चीज की आवाज आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सांप भी देखा था। हम जो है थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। एडवेंचर भी क्या करते, मतलब बहुत नीचे आ रहे, बहुत दूर हम गाँव से आए हुए हैं, जिधर की तरफ भाग रहता है और यहाँ पे आग वाग भी लग रही है आसपास। अब मैं दिखाता हूँ हम कहाँ आए हैं, हमारे साथ कौन कौन है। क्या ये देखो, ये बहुत सारा पानी है, गदेरा, और इस गदेरे में चलते हुए हम बिच्छू हैं और मामा जी हैं जो कि हमारे साथ जा रहे हैं। घूमते घूमते वापस जाएंगे हम, बहुत ऊपर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना अभी हमें, मुझे खुद रास्ता नहीं पता। सुनो मामा, अभी क्या हो, थोड़ी देर पहले मामा गिर गए थे, गिरने वाले थे। कैसे गिर रहे हैं चिपक के, और मैं उधर था वहां पे और तभी मैंने फटाक से फोटो खींच ली मामा की। अभी मैंने बताया आपको कि जिस जगह पर हमें यहाँ पे बाघ आता है, लोग क्या करते हैं, जैसे देखो ये गाय थी, इस गाय की उनको जरूरत नहीं रही, उन्होंने क्या करा, उसको दूर ले, बहुत दूर, गांव से बहुत दूर लिया इस गाय को, यहाँ पर इस पेड़ पर बांध दिया। देखो गाय बांध रखी थी इस पेड़ पर, अब बाघ आया हुआ, इसको खा लिया हुआ पूरा, ये गाय हो गई। अब वैसे ये गाय वहां पर पड़ी हुई है। जब लोगों को गाय की जरूरत नहीं होती है, जब गाय जो है दूध देना बंद कर देती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं और बाघ आएगा खा जाएगा। और ये जगह भी बिल्कुल ऐसी जंगल वाली जहाँ पर बाघ रहता है, आता है, और उसी के बीच में हम हैं एडवेंचर करते हुए। देखो पैंट पूरी पूरी नीचे से गीली होगी मेरी, और पैंट में बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, और हम स्टिल इस रास्ते पर चल रहे हैं। ये देखो सर, अभी हम आए हैं मस्सू सैंड गांव में, और इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में कोई रहता नहीं है, इसलिए घर जो है उजड़े हुए। देखो ये, देखो ये घर है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई रहता नहीं है और कोई आया नहीं, तो ये जो है पूरा का पूरा अबैंडन्ड हो गया, खाली हो गया, टूट गए देखो घर, क्योंकि किसने बनवाया नहीं। देखो अब जैसे ये घर है, देखो उस घर की छत गिर रखी है, ऊपर से दिखाते हैं आपको, घर की छत गिर रखी है, इस घर की छत गिर रखी है, पूरा गांव जो है खाली हो रखा है। ऐसी ये घर है जो भी फिलहाल तो खड़ा हो रखा है, लेकिन ये भी गिर जाएगा कुछ टाइम बाद। एक मिनट मारा, ये देखो ये घर, देखो पूरा का पूरा गिरा हुआ है, ये किसी हिस्टोरिक प्लेस की तरह लगता है, हिस्टोरिक प्लेस की तरह बोलते हैं। ये देखो छत नहीं है, इसमें गिर रखा है, कोई रहता नहीं है, इनके अंदर तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं यहाँ पे। ये देखो जैसे, ये देखो छत गिर रखी इनकी और कोई रहता नहीं है। जैसे हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री टीवी में देखते हैं, टीवी में दिखाया जाता है कि हिस्टोरिक प्लेसेज हैं, पुराने समय में जो हिस्टोरिक प्लेस थी उनमें पुराने पुराने घर थे, ऐसे बने रहते थे, ऐसे बने रहते थे, अब टूटे हुए, तो ये जगह भी, ये गांव भी ऐसे लगता है, सिर्फ चार पांच घर है उसमें भी जो है कोई रहता नहीं, कोई आता नहीं, सब टूटे हुए हैं। देखो ये छन्नी रही होगी, चाहे घर रहा होगा, इसके अंदर जो है पेड़ पौधे उगे पूरे के पूरे। देखो अंदर, ये देखो बारिश का मौसम हो रहा है और हम चलते हैं। होता क्या है कि जब गाँव से लोग शहर चले जाते हैं और अपना घर नहीं बनवाते, अपना घर छोड़ के चले जाते, उन पर ध्यान नहीं देते, तो ये सारे के सारे घर ऐसे उजड़ जाते, उसी उखड़ जाते, टूट जाते, कोई आता नहीं यहाँ पे, इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं यहाँ पे। ये वाला घर जाए, ये बना हुआ अभी, मतलब ये अभी खड़ा हो रखा है, लेकिन अगर इसका ध्यान नहीं रखेगा कोई, ये भी जाएगा, जैसे ये वाला जा रखा है। अच्छा, यहाँ से जो है मशीनें जो हैं पानी ऊपर खींचती है, गाँव में जाती हैं, काफ़ी सारे गाँव में जो है यहाँ से पानी जाता है। अच्छा हाँ, सही है, नीचे आवाज़ आ रही, मशीनें चल रही हैं, क्या क्या जुगाड़ है, और हम खड़े हैं पहाड़ों के बिल्कुल नीचे।
ऐसा है सर कि बारिश आने लगी और हम सर थोड़ा दौड़ के जा रहे हैं सबके साथ, बारिश आ गई प्लीज तलाक आने वाली थोड़ी देर में बढ़ जाएगी बारिश। इसका नाम क्या है? पुच्चू। इसके जूते भी पुछ पुछ कर रहे हैं, कर चलो। ओ एक बार बताओ मामी, उजाला हो रहा अभी दुनिया भर का, रोटी क्यों ना लग गया पहले? ओह डर कर रहा है। मैं बनाऊंगा, तू बनाएगा? हम बना दे रोटी फटाफट से मामी। तो सर एक छोटा सा लेकिन एक बहुत ही एडवेंचरस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको दिखाने की मैंने कोशिश की है, जंगलों के बीच में, पानी के बीच में, नेचर के बीच में और पहाड़ों के बीच में। उम्मीद करूंगा कि ये छोटा सा और बेहतरीन सा एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं खत्म। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।